नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। हम जब एट की बात करते हैं टैरो में, तो एट स्टैंड करता है इन्फिनिटी के लिए, विस्डम के लिए, और एट जो है वो वुमन प्रिंसिपल भी माना जाता है। अगर आप एट का कार्ड देखेंगे तो वो कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ भी है, और आप एट ऑफ पेंटिकल्स देखेंगे, एट ऑफ सॉर्ड देखेंगे, एट ऑफ वॉन्ड्स देखेंगे, या फिर एट ऑफ कप्स देखेंगे। इन ये चारों कार्ड जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी ढंग से पॉजिटिव है। हालांकि जब हम एट ऑफ सॉर्ड्स को देखते हैं, हमारे को इतनी क्लैरिटी नहीं आती है, हम यही सोचते हैं कि दैट दिस इज़ नॉट पॉजिटिव। सो आज मैं आपको कुछ ऐसा रिवील करने जा रहा हूँ टैरो कार्ड में, जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं लोग जो हैं एक बुकिश नॉलेज के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, और जो पढ़ लिया है, जो सीख लिया है, उसके ऊपर जो है ज़्यादा यकीन करते हैं। मैं जो है आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि टैरो को देखने का जो है जो सही नज़रिया, जब तक आपके पास नहीं आएगा, आपको जो है सही विस्डम जो है आपके अंदर नहीं उतरेगी, आप दूसरे को हेल्प भी नहीं कर पाएंगे और ना प्रिडिक्शन कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द राइट वे ऑफ टैरो। कैसे टैरो जो है हमसे बात करने लग जाए, कैसे टैरो जो है हमको जो है रास्ता दिखाना शुरू करता है, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कार्ड की गहराई में जाइए, कि कार्ड के साथ एक हो जाइए, कार्ड को बिल्कुल अब्सॉर्ब होने दीजिए अपने आप के अंदर। उससे ये होगा कि कार्ड आपको खुद अपनी कहानी बताएगा, कार्ड आपको खुद बताएगा कि दिस इज़ व्हाट इट मींस। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू बुक्स, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू यू नो व्हाट पीपल आर सेइंग, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट यू शुड नो व्हाट द रियल टैरो इज थ्रू द टैरो कार्ड्स। एंड सेकेंडली, अगर बुक्स के थ्रू या फिर ट्यूशन के थ्रू ऐसे नहीं पता चलता, देन यू नीड टू लर्न फ्रॉम समवन हु कैन एक्चुअली टीच यू द रियल मीनिंग ऑफ टैरो। तो आज जिस कार्ड की आज हम बात करने वाले हैं वो है एट ऑफ सॉर्ड्स। जैसे कि मैंने बताया कि एट जो है वो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव प्रिंसिपल है। जब हम एट ऑफ सॉर्ड्स को देखते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिविटी देखना जो है बड़ा मुश्किल है, और मैं आज आपको वो आंख देने वाला हूँ जिससे आप वो पॉजिटिविटी देख पाएंगे। सो सबसे पहले एट ऑफ सॉर्ड्स के जो है कीवर्ड्स देखेंगे। एट ऑफ सॉर्ड्स के कीवर्ड्स हैं आइसोलेशन, स्टक, रिस्ट्रिक्शन, इम्प्रिजनमेंट, बॉन्डेज एंड सरेंडर। तो हम जो है कार्ड के पिक्चोरियल में देखते हैं कि एक वुमन जो है वो टाइड अप है, ब्लाइंड फोल्डेड है, और सराउंडेड है सॉर्ड से। लुक्स लाइक शी इज़ इम्प्रिजेंट, कांट मूव, टाइड अप, ये सब जो है हमें दिख रहा है कार्ड में कि वो बंधी हुई है, और आसपास जो हैं ये तलवारें जो हैं उसके आसपास दिख रही हैं। वो देख नहीं सकती है, वो जो है अपना रास्ता नहीं निकाल पा रही है। दिस इज़ व्हाट वी सी। तो सबसे पहले तो मैं इस एट ऑफ सॉर्ड्स की मैं वो बात करना चाहूँगा जो कि जनरली हम लोगों को पता है। तो जब भी ये कार्ड आता है हम कहते हैं कि लाइक समवन हु इज़ बाउंडेड, समवन हु कांट यू नो एस्केप, लाइक यू आर स्टक इन अ सिचुएशन एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड योर पाथ, कि आप एक ऐसी पोजिशन में फंस गए हैं कि जहाँ से आप अपना जो है रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जो कि एक बहुत ही एक जनरल और एक बहुत ही एक कॉमन, जो एक बहुत ही एक ऑब्वियस सा मीनिंग जो कि आपने जो है बुक्स में पढ़ा है या फिर जो आपने जो है टीचर से सीखा है। आज जो है मैं आपको कुछ रियल जो है रिवील करने वाला हूँ इस कार्ड के बारे में। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो एट है वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव सिंबल है। एट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर दी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का जो दूसरा नाम है वो है विस्डम। तो विस्डम से जब भी कुछ निकलता है वो नेगेटिव होना तो उसका बहुत मुश्किल है, वो पॉजिटिव ही होता है। मेरे देखे इस कार्ड के अंदर जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो लाइक वो बंधी ज़रूर हुई है और उसके आँखों में पट्टी भी है। अब आप थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो आप ये भी देख पाएंगे कि वो ट्रबल में नहीं है,
लाइक दिस इज समथिंग यू नो विच शी हैज़ एक्चुअली बॉट ऑन हर सेल्फ, दिस इज वॉट शी वॉन्ट्स. और अगर आप देखोगे कि पैर नहीं बंधे हुए, वो चल के जा सकती है, पीछे उसका घर जो है दिखता है. सो दिस इज समथिंग वेरी, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको अगर अपने घर जाना हो, इसको जो है अपने लाइफ में वापस लौटना हो, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, शी कैन एक्चुअली जस्ट गो वेरी इजीली. यहाँ पे बात ये समझने की है, अगर आप इस वुमन का जो है चेहरा देखेंगे तो शी इज़ वेरी काम एंड शी इज़ काइंड ऑफ रिलैक्स. और वॉट इज शोन इज दैट उसने जो है अपने आप को खुद ही बंधवाया है. और अगर आप और देखेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे कि कई लोगों को जो है बॉन्डेज पसंद होती है. कई लोगों को जो है व्हेन दे गो थ्रू बॉन्डेज, उनके जो हैं जो सोए हुए चक्रास होते हैं, जो उनकी जो है रुकी हुई जो एनर्जी होती है, जो स्टक एनर्जी होती है, वो मुक्त होनी शुरू हो जाती है. वो आप कुछ ऐसा समझिए कि आप जो है पॉइजन से पॉइजन को जो है काट रहे हैं. तो बाहर जो है जो शॉर्ट्स दिख रही हैं वो शॉर्ट्स नेगेटिव तो दिखती हैं, लेकिन इन्हीं शॉर्ट्स के ज़रिए जो है वो अपने लिए जो है एक, वो अपने लिए जो है वो रास्ता बना रही है. वो उन शॉर्ट्स से जो है वो अपने पॉइजन को काट रही है. और एक और चीज़ ध्यान रखने की है कि जब भी आप शॉर्ट्स को जो है नीचे घुपा हुआ देखें ज़मीन में, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव साइन, ठीक है. और जब भी आप शॉर्ट्स को जो है एयर में देखें, दैट मीन्स सम काइंड ऑफ अ वॉर, सम काइंड ऑफ अ इंटेलेक्चुअल वॉर इज़ गोइंग ऑन, देयर इज़ आर्गुमेंट और मेंटल थॉट्स आर शोन. और अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो नीचे जो है आपको पानी भी दिखेगा. पानी जो है वो है कप्स का एलिमेंट है, ठीक है, जो कि वाटर है, जो कि इमोशन के लिए स्टैंड करता है. अब आप इसको जो है और ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो है हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं सॉर्ट का और कप्स का. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देर इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल सिचुएशन इज़ एक्चुअली कमिंग आउट. द सिचुएशन इज सच कि ये लड़की जो है एक तरह के प्रोसेस से गुजर रही है. शी हैज़ सरेंडर्ड हर सेल्फ, और एक बहुत ही कॉन्शियस वे से, यू नो, शी हैज़ सरेंडर्ड, शी हैज़ गिवन अप ऑन हर इंटेलेक्चुअल पावर्स. उसने अपने माइंड को जो है एक सरेंडर पोजीशन में रख दिया. एंड बिकॉज ऑफ दैट द वाटर सिग्निफाई दैट देर इज़ अ काइंड ऑफ अ मूवमेंट, देर इज़ अ काइंड ऑफ अ इंटेलेक्चुअल सरेंडर. जब भी आप किसी डिवाइन गुरु के साथ जुड़ते हैं या फिर डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको जो है अपने इंटेलेक्ट को जो है सरेंडर करना पड़ता है. एंड दैट हैपन्स थ्रू दी पावर ऑफ दी कप्स. जब आपके जो है इमोशंस आर लाइक ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर फॉर दी मास्टर, फॉर दी ट्रुथ. फॉर एग्जांपल, जब विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए थे, तो वो अपनी पूरी इंटेलेक्चुअलिटी के साथ गए थे और वो अपनी एक अकड़ के साथ गए थे. और उनकी नज़र में रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं वो एक अनपढ़ गवार थे, लेकिन वो इनलाइटेंड थे. उन्होंने, विवेकानंद जी ने उनके बारे में इतना सुना था इसलिए वो गए थे. कहीं ना कहीं वो उनको नीचा दिखाने भी गए थे कि वो जो हैं उनसे सुपीरियर हैं. जब विवेकानंद जी जब उनसे मिल रहे थे, उन्होंने जो है बहुत बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करी. और उस वक्त जो है रामकृष्ण परमहंस ने सिर्फ उनको छू दिया उनकी छाती पे, एंड सडनली एवरीथिंग चेंज. उनका जो इंटेलेक्चुअल जो सरेंडर था वो गिर गया, एंड ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ एंड ही फाउंड हिज गुरु. सो दिस इज व्हाट द रियल मीनिंग ऑफ एट ऑफ सॉर्ड इज, दिस इज व्हाट द मैजिक ऑफ टैरो इज. यू नो, लाइक आपसे वो इतनी एक गहराई की बात कर रहा है कि जब आप अपना इंटेलेक्चुअल सरेंडर करते हैं, सडनली देर इज़ अ सपोर्ट, देर इज़ अ काइंड ऑफ अ जॉय विच इज़ फ्लोइंग आउट. अगर इसके अंदर जो है ये कार्ड नेगेटिव होता, तो आप इसके अंदर एक वाटर का एलिमेंट ना देखते. दूसरा, अगर आप इसके चेहरे को देखेंगे ध्यान से, तो आपको ये भी दिखेगा कि दैट शी इज़ वेरी काम एंड शी इज़ रिलैक्स एंड शी हैज़ कॉन्शियसली, शी हैज़ गिवन अप ऑन हर सॉर्ड, शी हैज़ गिवन अप द फाइट. She doesn't want to go into a fight now. She wants to learn the highest secrets of life. That is what the Eight of Swords is trying to tell us here. बाकी जो है जो general reading है, हम इसको इसी तरह से card को treat करते हैं ज़्यादातर कि
कि आपको जो है बंदी बना लिया गया है, आप हिल नहीं सकते और आप तकलीफ़ में हैं और आप जो है कहीं भी जो है मूव नहीं कर पा रहे। तो जब भी एट ऑफ सॉर्ड्स जो है आपकी रीडिंग में आ रहा है, वो आपको जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि समहाउ कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप जो है एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं जहाँ पे एक मेंटल सरेंडर घट रहा है। इससे डरिए मत, इससे घबराइए मत, इस प्रोसेस से गुजर जाइए। ये कोई नेगेटिव प्रोसेस नहीं है, ये पॉजिटिव प्रोसेस है और ये जो है ये लीड करेगा आपको जो है एक अल्टीमेट फ्रीडम देने के लिए, एक अल्टीमेट जॉय देने के लिए। सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर एट ऑफ सॉर्ड्स। और जाते जाते एक T.S. एलियट का कोट जो कि एट ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर जो है बहुत ब्यूटीफुली बैठता है। कोट कुछ ऐसा है, इट इज़ इन फैक्ट अ पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ एजुकेशन टू हेल्प अस टू एस्केप नॉट फ्रॉम आर ओन टाइम फॉर वी आर बाउंड बाय दैट बट फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल लिमिटेशन ऑफ आर टाइम। तो अगर आप देखेंगे कि इंटेलेक्ट जो है वो अगर आपके लिए सिर्फ एक वेपन बन के रह गया है, जिसको आप आर्गुमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिसको आप जो है अपने आप को शार्प बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको आप आर्गुमेंट के लिए यूज़ करते हैं, डिस्कशंस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसका जो रियल जो यूज़ है इंटेलेक्चुअल का, वो यूज़ ये है कि आपको जो है वो मुक्त करे, कि वो आपकी हार्ट की सर्विस में लगे ताकि आप मुक्त हो सके। सो वी शुड लिव आर लाइफ इन सच अ वे दैट द सॉर्ड्स द इंटेलेक्ट शुड सर्व द कप्स द हार्ट एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ प्रॉपर बैलेंस इन योर लाइफ। सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर एट ऑफ सॉर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। नमस्ते।